नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक्सिस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। सभी भूतपूर्व सैनिकों और जवानों के लिए महत्वपूर्ण तीन खबरें निकल के सामने आ रही है। पूरी खबर को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का निशान जरूर दबाएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली खबर पूर्व सैनिकों के लिए निकलकर सामने आ रही है। यह खबर सुप्रीम कोर्ट से लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 20 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट में ORPU यानी कि वन रैंक वन पेंशन लिस्टेड किया गया था, उस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के पास पर्याप्त समय न होने के कारण 20 अप्रैल 2021 की सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब इस केस की सुनवाई यानी कि वन रैंक वन पेंशन केस की को जो है लिस्टेड किया गया है। अब जो अगली सुनवाई होगी 9 अक्टूबर 2021 को इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी। नेक्स्ट जो खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के सामने आ रही है। सेना में इक्वल MSP यानी कि मिलिट्री सर्विस पे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया था, उसकी अगली सुनवाई 18 मई 2021 को होगी। केस को लिस्टेड किया गया है और कोर्ट नंबर 37 में अब सुनवाई होगी। दोस्तों, सेना में इक्वल MSP को लेकर काफ़ी पहले से मांग उठी है और यह केस वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी एंड वार्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ENR के बीच चल रहा है। वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी एंड वार्स ये भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है और इसकी अगली सुनवाई 18 मई 2021 को कोर्ट नंबर 37 में होगी। नेक्स्ट खबर दोस्तों, सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टर ने पूरे देश के लिए शुरू किया ऑनलाइन कंसल्टेशन। और नई दिल्ली से खबर है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टर ने शुक्रवार से मुफ्त ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन सेवा पूरे देश की नागरिकों के लिए शुरू कर दी है। इस सेवा की शुरुआत 7 मई को उत्तर प्रदेश के लिए की गई थी। कुछ दिनों बाद राजस्थान व उत्तराखंड में इसका विस्तार कर दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल पर 85 वरिष्ठ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वे 1000 से ज़्यादा मरीजों को ऑनलाइन परामर्श दे चुके हैं। बयान के मुताबिक 3 राज्यों में सफलता के बाद एक्स डिफेंस OPD का नाम बदलकर डिफेंस नेशनल OPD कर दिया गया है। 14 मई से पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया गया है। इसमें सेना के डॉक्टरों के लंबे अनुभव का अधिकतम इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों को वापस शामिल कर अलग अलग स्थानों पर जगह पर तैनात किया गया है। सेना मेडिकल कोर के अस्थायी कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के सेवानिवृत्त डॉक्टरों की दोबारा संविदा पर तैनाती हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बल मेडिकल सर्विस यानी कि AAFMS महानिदेशालय के इन डॉक्टरों की भर्ती के प्रस्ताव को अनुमति दी थी। तो दोस्तों, ये खबर थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।